आपका वोट आपकी ताकत। वोट जरूर डालें इलेक्शन से जुड़ी हर खबर तक ऐप पर। डाउनलोड कीजिए तक ऐप। क्रिप्टो करेंसी बाजार के लिए मंगलवार का दिन मंगलमय साबित हुआ। क्रिप्टो बाजार में तेजी देखी गई और कई बड़ी करेंसीज में उछाल देखा गया। आइए एक नजर डालते हैं कुछ बड़ी क्रिप्टो करेंसीज की कीमतों पर। सबसे पहले बात करते हैं बिटकॉइन की। खबर लिखे जाने तक बिटकॉइन 34,60,000 रुपए पर ट्रेड कर रहा था और इसमें 2.98% का उछाल देखा गया। वहीं इथेरियम 2,44,434 रुपए पर ट्रेड कर रहा था और इसमें करीब 5.25% का उछाल दर्ज किया गया। क्रिप्टो करेंसी मार्केट में बिटकॉइन और इथेरियम ने अपना दबदबा बनाया हुआ है। बाजार में बिटकॉइन ने करीब 42% और इथेरियम ने करीब 18% का कब्जा बनाया हुआ है। कुछ और क्रिप्टो करेंसी पर नजर डालें तो बीएनबी 33,773 रुपए, सोलाना 8,000 रुपए, एवलांच 6,928 रुपए, XRP 64.54 रुपए, डॉज कॉइन करीब 11.68 रुपए और कार्डानो 88.80 रुपए पर ट्रेड कर रहा था। दूसरी तरफ भारत में भी क्रिप्टो को लेकर लगातार बहस जारी है। RBI ने एक बार फिर क्रिप्टो पर प्रतिबंध लगाने की वकालत की है। रिजर्व बैंक के डिप्टी गवर्नर टी रविशंकर ने क्रिप्टो को लेकर कहा है कि ये पूंजी योजनाओं से भी बुरा है और ये देश की वित्तीय संप्रभुता के लिए खतरनाक हो सकता है। रविशंकर ने ये भी कहा कि क्रिप्टो को विनियमित वित्तीय प्रणाली को दरकिनार करने के लिए विकसित किया गया है और ये सरकार की अर्थव्यवस्था को नियंत्रित करने की क्षमता को नष्ट कर सकता है। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि क्रिप्टो करेंसी पर प्रतिबंध लगाना ही सबसे सही विकल्प है। भारत में क्रिप्टो के भविष्य पर लगातार सवाल उठ रहे हैं। बीते हफ्ते देश के वित्त राज्य मंत्री डॉक्टर भागवत कराड़ ने भी क्रिप्टो पर टिप्पणी करते हुए कहा था कि देश में चल रही क्रिप्टो करेंसी वैध नहीं है और इसकी वैधानिक स्थिति के बारे में फिलहाल कुछ भी कहना उचित नहीं होगा। गौरतलब है कि भारत सरकार ने इस आम बजट में क्रिप्टो करेंसी की लेन देन से अर्जित कमाई पर 30% टैक्स लगाने का प्रावधान किया है।